नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर पुलिस ने शहर और आसपास के क्षेत्रों के शराब दुकानों में लगातार हो रही चोरी का खुलासा कर लिया। पुलिस ने इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जुगसलाई गौरीशंकर रोड निवासी मोहम्मद राजू उर्फ विजय मुंडा, सिद्धौड़ा बागुनातो निवासी दिलीप कालिंदी, जुगसलाई निवासी मोहम्मद अफजल बारेडी निवासी अंकित करण, गमरिया निवासी लालटू गुराई, खिरोद गुराई, साक्षी निवासी राजा सिंह उर्फ कोदू सरकार उर्फ कद्दू और गोलमुरे निवासी साबा सिंह उर्फ लड्डू सिंह शामिल है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, घटना में इस्तेमाल की गई 4 कार, 55 पेटी शराब, 8 मोबाइल फोन और ताला तोड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाला औजार बरामद किया है। गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए SSP किशोर कौशल ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 20 मामलों का उद्भेदन हुआ है। शहर की शराब दुकानों में हो रही चोरी के उद्भेदन के लिए पुलिस ने SIT का गठन किया था। मंगलवार को सूचना मिली कि एक कार में कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। इसके बाद पुलिस ने गालोडी के सालबनी मोड़ के पास जांच अभियान चलाया। मौके पर पुलिस ने अफजल मोहम्मद राजू, दिलीप और अंकित को पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सभी घाटशिला में डकैती करने जा रहे थे। आरोपियों ने बताया कि जिले के कदमा सुनारी, टेलको, बिष्टपुर, साक्षी, सिद्धौड़ा, घाटशिला, मऊ, बंडा, सीताराम डेरा, गोविंदपुर, बिरसा नगर, मानगो, MGM समेत सरायकेला खरसवा जिले के आदित्यपुर, गमरिया, चांडिल समेत चाईबासा और जगदरपुर के अलावा उड़ीसा में भी लूट और चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। इसमें मोहम्मद राजू और दिलीप कालिंदी मुख्य भूमिका में रहते हैं, जबकि अन्य लोग घटना को अंजाम देने में साथ रहते हैं। सभी ने पहले शराब दुकानों को निशाना बनाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे लूट और छिनताई भी करने लगे। उन्होंने बताया कि तार कंपनी के अधिकारी के घर भी इन्हीं लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। कुछ माह से कई थाना क्षेत्रों में शराब की दुकानों में खासतौर पर चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी और अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई इन घटनाओं को लेकर एक SIT का गठन किया गया, जिसे SP City लीड कर रहे हैं और उसमें कई पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी शामिल हैं। उनके द्वारा लगातार तकनीकी एवं मानवीय सूचना का संकलन करते हुए एक पूरे गिरोह का एक प्रकार से उद्भेदन किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के 8 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये अपराधकर्मी पुनः एक डकैती की योजना बना रहे हैं और इसी दौरान उन्हें दारूडी थाना क्षेत्र में जो है एक गाड़ी में एक चारपहिया वाहन से गिरफ्तारी की गई, जिसमें कि 4 अपराधकर्मी वहाँ से गिरफ्तार हुए, मोहम्मद राजू, विजय मुंडा, दिलीप कालिंदी, मोहम्मद अफजल और अंकित करण। उसमें से एक अपराधकर्मी वहाँ से भागने में कामयाब रहा, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम और इसके अलावा जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो यह बात सामने आई कि जहां पर ये लोग जो चोरी की हुई शराब थी पाते थे, तो गमरिया में रेड किया गया, जहां से लालटू गुराई और किरत गुराई नाम के दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से बड़ी मात्रा में शराब भी बरामद हुई। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इनके पास से एक देसी कट्टा, गोली, कैंची, कटर, बेसिकली जो शटर काटने की जो कैंची यूज़ करते थे वो कटर हम लोगों को मिला है और सबन जो इनका प्रयोग अगेन दुकान को तोड़ने के लिए, दुकान का ताला तोड़ने के लिए करता था, वो बराबर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें हमें 3 चारपहिया वाहन भी इनके पास से बरामद हुआ है, जिसमें कि 2 गाड़ी, एक लाल रंग की एक चारपहिया वाहन है और एक हल्के सिल्वर कलर की एक चारपहिया वाहन है। इन दोनों वाहनों का उपयोग चोरी के लिए किया गया था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते थे ये लोग, जो कि कई जगहों पर CCTV में भी इन गाड़ी का एक तरीके से कह सकते हैं कि विजुअल हम लोगों को मिला। साथ ही साथ जो गमरिया में जो रेड हुआ वहाँ पर से एक ओमनी कार बरामद हुई, जिसमें कि लगभग 55 पेटी जो है वो फॉरेन लीगर जो है वहाँ से बरामद हुआ है। इसके अलावा तकरीबन 8 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद हुआ है। जो एक बोलेरो उनके पास से मिली है वो गाड़ी भी जो है बेसिकली चोरी की है, जो कि रायरंगपुर उड़ीसा से चोरी की गई थी। कुल मिलाकर के जो 20 कांड उद्भेदित हुए हैं, उन 20 कांडों में आदित्यपुर, गमरिया, चांडिल, कपाली और चाईबासा के चक्रधरपुर, इन थानों के भी, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय अंतर जिला इस प्रकार का एक गिरोह था जो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा था। अभी हाल में टेल्को में भी एक टेल्को के एक पदाधिकारी के यहाँ जो है लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, उस घटना का भी खुलासा किया गया है और इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी और जो व्यक्ति इसमें शामिल थे उनकी गिरफ्तारी की।
सर ये शराब के लीकर जो ये लोग परचेज कर रहे थे उसका अभी तक जो बात सामने आई है, दो तरीके से खपाने की बात सामने आई है जिस पर कि पुलिस लगातार काम कर रही है। कुछ तो जिले के अंदर भी उसकी खपत की जा रही थी, जो कुछ जो छोटे जो रिटेलर्स हैं उनके उनके पास उनको भेज दिया जा रहा था। रिटेलर्स मतलब कि गलत तरीके से अवैध तरीके से शराब बेचते हैं। दूसरा जैसा मैंने बताया कि गमरिया में जो ये जो बुराई जो बुराई व्यक्ति जो पकड़ाए हैं, फिरोज बुराई और लालटू बुराई, उनके पास ये खपाते थे। और इस प्रकार की भी आसूचना है कि जो पड़ोस के जो जिले हैं पुरलिया, वहाँ पर भी इनके द्वारा शराब बरामद शराब खपाने का प्रयास किया जाता रहा है, जिसको लेकर के अभी तफ्तीश जारी है और उम्मीद है कि जल्दी और छापामारी की जाएगी और ज़्यादा गिरफ्तारियाँ इसमें। कितने का लगभग शराब था सर कीमत? शराब जो पकड़ाया है वो तकरीबन अगर उसकी बाजार कीमत की बात करें तो वो तकरीबन 1 लाख। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।